previously on Adeem Studios. तो आपको कुछ फ्रेम्स कट करने हैं, उसके ऊपर सारा काम करना है जैसा मैंने सिखाया, और ग्लिच इफेक्ट रेडी। अदीम भाई कैसे हैं? ठीक है ना, फिट है, मजे में। यार अदीम भाई, एक सवाल करना था, वो ये था यार कि कंटेंट क्या होना चाहिए। मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ऐसा क्या डालूं कि मैं चला जाऊं, मैं फेमस चला जाऊं, मैं भाई फेर दूं, मैं सब कुछ फेर दूं। अगर पूछो ना कि इसमें क्या आता है, तुझे पाँच अच्छी चीज़ें आती होंगी, कोई एक दो चीज़ नहीं आती। एक चीज़ तो हम लोगों में ना है ही नहीं, हमें पाँच छः चीज़ें सारी आती होती हैं। मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, सारे हम स्पाइडरमैन हैं। कोई एक चीज़ अगर आपको अच्छी तरह से आती है ना, तो वही आपका कंटेंट है, उसी में आप मास्टर हो, उसी में आप माहिर हो। यकीन करो, अगर आपको जूते काटने आते हैं ना, आप उसी की वीडियो बना दोगे ना, तो आप वो आपका सच्चा और अच्छा कंटेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने सिलाई कहाँ लगानी है और मैं अगले बंदे को सही बात बता रहा हूँ। नया जूता फट गया, तो आजकल बारिशें बहुत हो रही हैं, तो नया जूता फट गया आगे से, तो वो उसकी गम ख़राब होगी। अब कौन सी गम है, कहाँ से मिलेगी, कैसे यूज़ करनी है, ये आप बता दोगे ना, तो वो आपका बेहतरीन कंटेंट है, क्योंकि वो आपका सच है। अब मुझे देखें, मैं गाड़ी में वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं यहाँ कंफर्टेबल फील करता हूँ, और जो मैं बताता हूँ बोलता हूँ, ये मेरा कंटेंट है, और ये मेरा सच है। यही चीज़ें मुझे करना आती हैं, और यही मैं सबके सामने ला के रखता हूँ। 10 चीज़ें और मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो इस कदर अच्छी नहीं कर सकता यार कि वो मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ, वो मैं इस चीज़ से कम्फर्टेबल हूँ। तो यही चीज़ आप भी करें, जो चीज़ आपको अच्छी तरह आती है वही आपका कंटेंट है। बस कंटेंट वर्ड से नहीं डरना, भले ही अंग्रेजी का वर्ड है, बड़ा मुश्किल है अंग्रेजी का, वैसे ही हम लोगों को बड़ा रोब है, तो छाप बैठ गई कंटेंट की। वरना कंटेंट क्या है, वीडियो, वीडियो में क्या दिखा रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं तो अच्छा कंटेंट है, कुछ बुरा दिखा रहे हैं तो बुरा कंटेंट है। अच्छा कंटेंट क्या होता है, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो, और बुरा कंटेंट क्या होता है, क्या जिसमें लोगों का इंटरेस्ट पैदा ना हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उर्दू में जब कंटेंट बनाते हैं ना, तो उर्दू को उर्दू में बोला करें, हम लोग बोलते हैं उर्दू को पंजाबी में या कोई और आपकी ज़ुबान है उसमें। अगर आपकी ज़ुबान दूसरी है तो यार आप अपनी ज़ुबान में क्यों नहीं बनाते हैं? अगर आपको उर्दू अच्छी तरह से बोलनी आती है, फिर आप उर्दू में स्विच करें, दोनों को कैरी करें साथ साथ। अगर आप उर्दू बोल रहे हैं पंजाबी में या हिंदी में बोल रहे हैं, या मेरी तरह पटवारी में बोल रहे हैं उर्दू भी, तो फिर आपको समझ में फिर मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो जो आपकी ज़ुबान है उस पर फोकस रखा है, ये बेस्ट मैं एक टिप दे रहा हूँ। मैंने जितने भी लोगों मुझे अपनी वीडियोज़ भेजी हैं, वो जब बोल रहे हैं उसके अंदर, तो वो उर्दू में पंजाबी का टच आता है। पंजाबी बहुत खूबसूरत ज़ुबान है, लेकिन टोटली डिफरेंट है, उर्दू टोटली डिफरेंट है। कुछ लोग हैं जो दोनों सही बोल देते हैं, तलफ़ सब चीज़ें सही होती हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसा नहीं होता। तो ब्राय मेहरबानी कहते हैं ना, अपनी मजाक ना बनाए, तो ये गेम मान चली जाती है कि जब आप अपनी मजाक बनवा रहे होते हैं, तो वो चीज़ करें जो आपको अच्छी आती है, चाहे किसी ज़ुबान में आती हो। ये थोड़ी सख्त बात है मेरी, लेकिन यार हकीकत है। आप खुद सोचें, आप ही कितने लोगों को जानते होंगे, उनकी वीडियोस देखी होंगी, जिनके अंदर वो बोल तो उर्दू रहे, लेकिन वो एक पीछे से इफ़ेक्ट आ रहा है पंजाबी का या सराइकी का या किसी और ज़ुबान का। तो जो वीडियो आप बना रहे हैं उसमें वही ज़ुबान यूज़ करें जो आपकी अपनी है, जो आपको अच्छी तरह से आती है। और यकीन करें, अगर आप सुबह से शाम तक आपने जो कुछ किया है ना, अगर शाम को सेल्फी वाला कैमरा ऑन करके उसके अंदर बयान कर देंगे मैंने आज सारा दिन यही किया, तो इंस्टाग्राम पे कुछ दिन कुछ टाइम बाद वो चीज़ हिट हो जाती है, क्योंकि लोग सच सुनना चाहते हैं, लोग सच सुनने ही आते हैं। सोशल मीडिया की वजह से हर बंदे को देखना है कि अगले बंदे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जब एक बंदा खुद ही बता रहा है कि मेरी ज़िंदगी में आज ये हुआ है, तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और ये चीज़ सोशल मीडिया की वजह से हुई है कि लोगों की ज़िंदगी में कैसे घुसा जाए। रियलिटी टीवी कैसे हिट होते हैं, रियलिटी शोज़ कैसे चलते हैं, क्योंकि वो जो हो रहा होता है एक्चुअल वो बता रहे होते हैं, साथ साथ सच आ रहा होता है उसके ऊपर। भले अब चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट हो गई हैं उसके अंदर भी, लेकिन वो एक इंटरेस्ट डेवलप इसलिए होता है कि वो जो हो रहा है बस वो आ रहा है कैमरे के ऊपर। सो आप भी कुछ ऐसा ही करें, यही आपका, ये भी आपका कंटेंट हो सकता है। वरना जो आपको अच्छी तरह से आता है वही आपका कंटेंट है, स्टिक विद दैट। बाकी पीछे भागने की जरूरत नहीं है, किसी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप किसी कॉपी करेंगे तो कल पकड़े जाएंगे, लोग आपको कंपेयर करेंगे, सो उसका फ़ायदा नहीं होता।
तो वो करें जो आपको आता है, और ये सवाल करना छोड़ दें कि कंटेंट क्या होना चाहिए, वो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं और आपका कंटेंट क्या है। बहरहाल मुझे ना इजाज़त, मिलते हैं आप किसी और वीडियो में किसी और जगह, लेकिन मिलेंगे कार में ही, क्योंकि मेरा कंटेंट है, मुझे कार में बनाना अच्छा लगता है, मैं कार में कंफर्टेबल फील करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।